Hello dear students, welcome back to all of you. As you can see, today we will study about the microscope, which is a kind of instrument and such a kind of students like the magnifying. As you know about the microscope, basic definition, so aap jante hi hain. Okay, so aaj hum microscope dekhenge, uski definition ke alawa hum uski working principle ko padhenge. Working principle ya theorem jise aap pad sakte hain. Next day hum uske magnification ko padhenge. है ना, आपने लीनियर मैग्नीफिकेशन तो आपको पढ़ा होगा. लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, किन दो चीज़ों का रेशियो होता है. बस वैसे आपको क्या पढ़ना है, आपको किसी भी माइक्रोस्कोप के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, उसकी मैग्नीफाइंग पावर, दैट मीन्स एंगुलर मैग्नीफिकेशन को आपको पढ़ना होगा. तो हम आपको एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी बताएंगे कि किन दो चीज़ों का रेशियो है. देन हम पढ़ेंगे वन ऑफ द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच इज वॉज वट सिंपल माइक्रोस्कोप. आज की क्लास में हम सिंपल माइक्रोस्कोप पर डिस्कशन करेंगे और सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसके क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे डिजाइनिंग होती है, वो तो खैर आप जनरली देख सकते हैं. आपको अवेलेबल होता है लैब में, आपने देखा भी होगा, स्पेशली इन बायोलैब और केमिस्ट्री लैब आपने देखा होगा. जनरली आपको पता है कि चूंकि आपको पता होता है कि माइक्रोस्कोप जो होता है वो उसकी एक्चुअल वर्किंग क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफाई करने का प्रयास करता है. मैग्नीफिकेशन इट मीन्स आप समझ सकते हैं यहाँ पर मैग्नीफाई करना, इट मीन्स बढ़ा कर देना इमेज को, एक्चुअल साइज से बढ़ा कर देना. तो यही कोशिश रहेगी इसकी माइक्रोस्कोप की, यही उसका प्रिंसिपल रहेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन हम उस पर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे और आज हम क्या करेंगे, एक सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, उसकी स्ट्रक्चरिंग समझेंगे यहाँ पर, दैट मीन्स उसमें क्या क्या चीज़ें फिक्स्ड होती है और किस तरीके से हमको इमेज मैग्नीफाई होकर के मिलता है. ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको. अलावा इसके हम इस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप के लिए आज क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इसकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, दैट मीन्स ये कितने ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफाई करके दे सकते हैं हमारे, या उसके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे आज. आई बात यहाँ पर आपको समझ, आप सारा डिस्कशन सिंपल माइक्रोस्कोप पर ले लूँगा. ओके, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द विजुअल एंगल, जो अब तक आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया. एक्चुअली ये सारी जो थ्योरी है, ये सब जो थ्योरी है, इन सभी के पीछे जो मैथ्स है वो एक चीज़ के पीछे छुप जाता है और वो है आपका विजुअल एंगल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द विजुअल एंगल, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द विजुअल एंगल. ओके ओके बेटा, आप देख सकते हैं विजुअल एंगल को मैंने यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन किया. फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड दिस थ्योरी. एन एंगल इज मेड ऑफ क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई, ऑन द आई इट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ विजन और विजुअल एंगल. बहुत ही सिंपल बेटा, हम किसे कह रहे हैं यहाँ पर विजुअल एंगल बेटा, विजुअल एंगल उस एंगल को कहा जा रहा है, विजुअल एंगल या एंगल ऑफ विजन किसे कहा जा रहा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट को कभी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर बनने वाला एंगल. दैट सपोज दैट आपको इस चीज़ को समझते हैं आप, ये आपका ह्यूमन आई है, ये ह्यूमन आई का लेंस है. ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, एज यू कैन सी हियर, एक मैंने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं टू डिफरेंट पोजिशन पर. पहला ऑब्जेक्ट है ए बी, दूसरा ऑब्जेक्ट है मैंने आपको सी हियर. पहला ऑब्जेक्ट ए बी क्या करेगा यहाँ पर, आंखों पर जितना एंगल इंसिडेंट करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना एंगल इंसिडेंट कर रहा है, अल्फा एंगल इंसिडेंट कर रहा है, सपोज कितना एंगल इंसिडेंट कर रहा है अल्फा. वहीं पर दूसरा ऑब्जेक्ट सी डी मैंने सपोज किया, जो कि क्या है, पहले ऑब्जेक्ट के कंपेयर में और पीछे है, या आई के कंपेयर में और ज्यादा डिस्टेंस पर है, दैट मीन ज्यादा दूरी पर है. तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इंसिडेंट करवाइए एंगल, देखते हैं कि आई पर कितना एंगल इंसिडेंट करवाएगा. तो ये आई पर कितना एंगल इंसिडेंट करवाएगा, एज आप देख सकते हैं इस चीज को ऐसे. देखिए अल्फा ये पूरा था और इस ऑब्जेक्ट सी डी के द्वारा क्या हो रहा है, पर छोटा सा एंगल बीटा इंसिडेंट करवाया जा रहा है. आगे बात यहाँ पर आपको समझ, मैंने दो ऑब्जेक्ट क्यों लिया, मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पर देना चाहती हूँ. देखिए पहला जो ऑब्जेक्ट क्या था, ह्यूमन आई से नजदीक के ऊपर था, ठीक है, उसने क्या किया, आई पर अल्फा एंगल इंसिडेंट करवाया, ठीक है, और उससे दूरी पर जो दूसरा ऑब्जेक्ट था उसने भी क्या करवाया था यहाँ पर, आई पर एक एंगल इंसिडेंट करवाया और इसके जो इंसिडेंट एंगल कितना बना, छोटा बना बीटा. आप देख सकते हैं यहाँ पर बीटा क्या है, लेस देन अल्फा है, लेस देन क्या है यहाँ पर, अल्फा है या अल्फा बड़ा है, बीटा छोटा है, ठीक है, दोनों ही क्या है विजुअल एंगल.
बड़े से बड़ा एंगल बनाते हुए है ना, वो बड़े से बड़ा एंगल बनाता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट दूरियों पर होता है वो छोटे से छोटा एंगल बनाता है। आई बात समझ? अब मैं यहाँ पर क्यों डिस्कशन कर रही हूँ, क्योंकि जो विजुअल एंगल इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो जितना ज्यादा बड़ा एंगल बनाते हुए, जो ज्यादा बड़ा एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगा, समझ लीजिए उसका रिजल्ट उतना ही क्लियर होगा, उतना ही क्लियर होगा, उतना ही बड़ा होगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ? ये ऑब्जेक्ट ए बी क्या है, सीधी के कंपेयर में क्या है, नजदीकियों पर है, किससे, ह्यूमन आई से। आगे बात यहाँ पर समझ, तो इसके थ्रू जो इंसिडेंट एंगल अल्फा है वो बीटा के कंपेयर में बड़ा है। ये ज्यादा बड़ा एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई जो जितना ज्यादा नजदीकियों पर होगा, या पहला समझ सकते हैं यहाँ पर जो विजुअल एंगल होता है इसी से पता चलता है। विजुअल एंगल जिसके लिए जितना ज्यादा बड़ा होगा, समझ लीजिए यहाँ पर आप समझेंगे कि वो ऑब्जेक्ट उतना ही क्लियर दिखाई देता है। डेली लाइफ से रिलेटेड भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आए हैं। डेली लाइफ से रिलेटेड का मतलब आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, जैसे बहुत सिंपल से एग्जाम्पल आप लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, आपसे आप यहाँ से काफी दूर तक का देख सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आप यहाँ से काफी दूर तक का देख सकते हैं, आगे कोई पहाड़ी है, काफी दूरी पर कोई पहाड़ी है, पहाड़ी पर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब इन दोनों के डिस्टेंस के बीच, आपके और पहाड़ी पर बैठे व्यक्ति के बीच कौन आ रही है, चिड़िया आ रही है। चिड़िया जो कि क्या होगी, व्यक्ति के ऑब्वियसली व्यक्ति के साइड से क्या होगी, पर्सन के साइड से क्या होगी, छोटी होगी। चिड़िया छोटी रहती है, वो बीच में रहती है, वो सेंटर पर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है कि वो आदमी तो पहाड़ी पर बैठा हुआ दूर है, इस चिड़िया के कारण में चिड़िया आपसे बहुत नजदीक के ऊपर है, तो क्या होगा, चूंकि चिड़िया नजदीक के ऊपर है वो आपको बड़ी और क्लियर दिखेगी, और चूंकि वो आदमी पहाड़ी दूर पहाड़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति जैसा है बहुत दूर, तो उसके थ्रू जो बनने वाला क्या होगा, विजुअल एंगल होगा, मेरी आंखों पर बनने वाला जो विजुअल एंगल होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू दिस चिड़िया। आगे बात समझ, तो चिड़िया मुझे बड़ी नजर आएगी, जबकि दूर पहाड़ियों पर बैठा हुआ व्यक्ति मुझे छोटा नजर आएगा, उस चिड़िया को भी छोटा नजर आएगा। तो साइज आपको मैटर नहीं रखता, मैटर ये रखता है कौन हमको बड़ा और कौन हमको छोटा दिखेगा, इस बात को कौन तय करता है, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल का मतलब जो ऑब्जेक्ट नजदीक हो पाए, चाहे फिर वो किसी भी साइज का हो, डजंट मैटर, क्योंकि चिड़िया कैसे नजदीक के ऊपर थी, इस वजह से चिड़िया क्या होगा, कंपैक्ट हो, दैट पर्सन मुझे वो ज्यादा बड़ी और क्लियर नजर आए। आप देखिएगा दूर, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यदि हम बात करें गैलेक्सी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पे जो स्टार्स होते हैं मिटा, जो स्टार्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, मून के कंपेयर में बड़ा होता है, पर बावजूद स्टार्स हमको मून के कंपेयर में छोटे नजर आते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है यहाँ पर विजुअल एंगल, विजुअल एंगल जो हमें यहाँ पे खेल खेल जाता है, जो नजदीकियों पर होता है वो हमारी आई पर क्या करेगा, बड़ा विजुअल एंगल क्रिएट करेगा, और जिसके चलते नजदीकियों पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमको बड़ा दिखाई देता है, जबकि मून हमारे से वही करता है ना, मून क्या होता है अर्थ से ज्यादा नजदीकियों पर होता है कंपेयर टू स्टार्स। बताइए कि स्टार्स बड़े होने के बावजूद भी छोटे नजर आते हैं चंद्रमा की तुलना में, और ऐसा बहुत सारे चीजें हैं, इस वजह से मैंने विजुअल एंगल पर डिस्कशन किया, और मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट इसीलिए लिए कि आप खुद भी देख सकें जो इंसिडेंट एंगल है, दैट मीन जिस हम विजुअल एंगल पढ़ रहे हैं वो कैसा होगा। ऑब्जेक्ट पास था तो देखिए आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है ये कंप्लीट है, दैट मीन ये कंप्लीट अल्फा, और जो दूर था ऑब्जेक्ट सीधी उसी साइज से, देखिए साइज मैंने हेल्प से ठीक है, आप चाहे तो बड़ा भी लेते साइज तो भी है ना। अभी तो देख सकते हैं अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों दूरी पर है, समझ में आ रहे हैं यहाँ पर आपको। अब मैं आपको
तो आपका पढ़ा हुआ है? अच्छा ओके, लेट्स टॉक अबाउट द मैग्निफिकेशन. हियर वी हैव टू टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन. लेट मी वेरी क्लियर, हियर वी हैव टू टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन. अब तक आप जो मैग्निफिकेशन पढ़ते आए हैं देखिए, ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर या मैग्निफिकेशन जो हम पढ़ते हैं, एम से डिनोटेड होता है एच टू. हम तीन दो चीजों का रेशियो लेते हैं, वहां पर मैं बोली तीन दो चीजों का रेशियो लेते हैं, एच डैश बाय एच लेते हैं और वी बाय यू लेते हैं. एम आर एच एम आर एच एम आर 100% राइट. ये होता है बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन. ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन. ये आपने पहले भी देखा होगा आई थिंक 10th स्टैंडर्ड वगैरह में, तब आप ऑप्टिक्स पढ़ते थे. लीनियर मैग्निफिकेशन में एंगल का कोई रोल नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता एंगल क्या बन रहा है. लीनियर मैग्निफिकेशन एम से जो डिनोटेड है वो एक्चुअल में किन दो का रेशियो है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की एक्चुअल हाइट. आगे बात समझ, इमेज की हाइट है एच डैश और ये ऑब्जेक्ट की एक्चुअल हाइट है एच, इन दोनों का रेशियो है. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज कितना बड़ा होगा, कितना अपग्रेड होगा, है ना, वही मैग्नीफाई करिए, वही मैग्निफिकेशन एक्चुअल में मैग्निफिकेशन पावर बनेगा. ठीक है, ये आप बता सकते हैं, मालूम कर सकते हैं वी बाई यू से. हाइट नहीं पता तो कोई बात नहीं, यदि आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस पता है तो भी आप उस पर्टिकुलर के लिए मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. दैट मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. जबकि किसके बराबर होता है बेटा, द डिस्टेंस अप टू इमेज डिवाइडेड बाय व्हाट, द डिस्टेंस अप टू ऑब्जेक्ट. इज दैट ओके या नॉट, ये आपने पहले भी देखा है, नहीं देखा है तो हो सकता. अब आप जो पढ़ेंगे वो रहेगा आपका एंगुलर, वो क्या रहेगा आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन. को शॉर्ट में लिख देते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन. ये भी होता है, कई बार देखा जाता है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन कई केसेस में होता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन के इक्वल ही आता है, लेकिन चूंकि एंगुलर है मतलब आपको रेशियो एंगल के बीच में लेना है. रेशियो आपको किस बीच में लेना बेटा, एंगल के बीच में लेना है. ठीक है, अब ये होता है यहाँ करके, ये होता है क्या चीज, जैसे इमेज ऊपर जाता है, ऊपर क्या जाएगा यहाँ पर, ऊपर में कौन सा विजुअल एंगल जाएगा, इमेज के थ्रू बनने वाला विजुअल एंगल. ठीक है, बट विजुअल एंगल क्रिएटेड बाय इमेज, विजुअल एंगल क्रिएटेड बाय व्हाट, इमेज. विजुअल एंगल क्रिएटेड बाय इमेज, क्या क्या क्रिएटेड बाय इमेज, डिवाइडेड बाय व्हाट, ऊपर इमेज आता नीचे क्या आता है ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर आप दूसरा क्या लेंगे, यहाँ पर विजुअल एंगल क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्ट विच प्लेस एट, विजुअल एंगल क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट विच प्लेस एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन ऑफ क्लियर विजन. आई बात यहाँ पर समझ, अभी मैं आपको बताऊंगी क्या है ना. याद रखिएगा ये एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है बेटा. लीनियर आपका देखा हुआ था, लेकिन जब आपने लीनियर चाहे आपने एच डैश पर एच पढ़ा चाहे आपने डिवाइड पर पढ़ा, आपने देखा ऑब्जेक्ट नीचे ही जा रहा है. क्या आप उसका डिनोमीटर देखिए, उसमें हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट है, डिनोमीटर में क्या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है. इधर डिनोमीटर में चेक कीजिए, ये क्या है डिस्टेंस अप टू ऑब्जेक्ट. आगे बात यहाँ पर आपको समझ, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम डिनोमीटर में जा रहे हैं. तो जब आप एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो टर्म है वो नीचे जाएगा, ऊपर इमेज जा रहा है तो ऊपर विजुअल. ये जो है एक्चुअली एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है, विजुअल एंगल्स के बीच का, दो विजुअल एंगल्स के बीच का क्या रेशियो है, कौन सा दो विजुअल एंगल, पहला विजुअल एंगल इमेज के थ्रू बनने वाला और दूसरा विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू बनने वाला. लेकिन ऑब्जेक्ट शर्त क्या है, शर्त क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए आपका, ऑब्जेक्ट इट्स प्लेस, ऑब्जेक्ट प्लेस एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन. ऑब्जेक्ट आपका मिनिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए, क्लियर विजन के मिनिमम डिस्टेंस पर, शर्त यह है. आरी बात यहाँ पर पे समझ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पे, ऑब्जेक्ट इट्स प्लेस्ड एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, जिस पर आप जिसको हिंदी में पढ़ सकते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर,
यदि उस न्यूनतम दूरी से क्या हो जाता है बेटा, आप और कम कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखाई देता है। जिसको हम जनरली क्या पढ़ते हैं बेटा, जिसको जनरली हम क्या पढ़ते हैं 25 सेंटीमीटर्स पढ़ते हैं, है ना। आपको पता होगा कि यदि हम एडल्ट्स के लिए पढ़े यहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर क्या होगा, मैंने आपको क्लियर टर्म्स में बताया। तो उस मिनिमम डिस्टेंस को आपको मेंटेन करना होगा और उस मिनिमम डिस्टेंस के दायरे पर आप क्या रखेंगे, इमेज जो है सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो रखा जाएगा, ठीक है। तब उसके थ्रू बनने वाला आप बात करेंगे यहाँ पर किसकी, विजुअल एंगल की, और उन दोनों विजुअल एंगल का जो एंगल एंगुलर मैग्निफिकेशन। चलिए एंगुलर मैग्निफिकेशन मैंने आपको बता दिया। लेट्स सपोज यदि इमेज के थ्रू पहले आता ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज बनेगा। तो पहले ऑब्जेक्ट जो कि मिनिमम डिस्टेंस पर रखा हुआ है उसके थ्रू यदि मैं इंसिडेंट एंगल अल्फा सपोज करूँ तो नीचे क्या आएगा अल्फा, और वही यदि मैं उसके बनने वाले इमेज जो कि सेकेंडरी है उसके थ्रू बनने वाले विजुअल एंगल को बीटा सपोज करो तो मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर क्या मिलता है आपको, बीटा बाय अल्फा। एंड लेट्स बी वेरी क्लियर, बोथ आर वेरी स्मॉल एंगल्स, सो दैट्स व्हाई छोटे एंगल्स के साथ क्या करते हैं, सो दैट्स व्हाई वी टेकिंग या वी कैन राइट इन द टर्म ऑफ टेंजेंट, वी कैन राइट इन द टर्म ऑफ टेंजेंट लाइक दिस, जस्ट बिकॉज अल्फा एंड बीटा बोथ आर वेरी स्मॉल विजुअल एंगल्स which are incident on the eye. So that's why we are replaced this beta by the tan beta and also alpha replaced by the tan alpha. Just because when your angle is so much small, in that case we continue with the tangent. So that's why. So ye kya hai ye tan beta by tan alpha, this is the ratio which we call the magnifying power. What? The magnifying power. And yahi magnifying power humko calculate karni hogi. आरी बात समझ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप के लिए, जैसे कि हम सिंपल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप से शुरुआत करेंगे उसके लिए भी हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, और जब तक हमको उसके लिए एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा हम कंपाउंड के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकालते वक्त रुक जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पहले सिंपल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन कर लिया जाए, उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर को कंफर्म कर लिया जाए ताकि आगे कंपाउंड में हमारे लिए आसान हो जाए। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद सिंपल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। Okay. As you can see, when we're talking about a simple microscope, ठीक है, हमारे पास एक ही convex lens है। हम convex lens first of all हम convex lens का इस्तेमाल क्यों करते हैं? Convex lens क्या करता है बेटा? यहाँ पे convex lens के पहले पांच cases तो आपको पता है। Convex lens के थ्रू आपने image formation पढ़ा। इसके पहले पांच cases में क्या होता है? Real but inverted image आपको मिलता है। और जो कि क्या होता है बेटा यहाँ पर मैं सॉरी पहले चार केसेस में नहीं पहले पांच केसेस में नहीं करना है यहाँ पर क्या होता है रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलता है यहाँ पर आपको, इफ एम राइट। छठवें केस में क्या होता है बेटा? छठवें केस में क्या होता है, किसी को याद आ रहा है यहाँ पर? छठवें केस में इमेज जो है वो रियल नहीं मिलता है बल्कि मिलता है इमेजिनरी या वर्चुअल। वो वर्चुअल इमेज जो ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइड से कैसा होता है बेटा? एक्चुअल साइज से मैग्नीफाइड होता है, ठीक है। कॉनकेव हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कॉनकेव लेंस से ऐसा होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है ना। तो हमारे इस्तेमाल करने का रीजन क्या है यहाँ पर पे? कॉन्वेक्स को इस्तेमाल करने का रीजन मैंने यहाँ पर पे आपको बताया क्योंकि आपको छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े से बड़े रूप में देखना है। आप चाहते हैं कि रेटिना पर उसका इमेज मैग्नीफाई होकर के आपको मिले, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पे है ना मैग्नीफाई होकर के मिले, तो मैग्नीफाइड इमेज आपको मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज आपको मिलेगा किस किस में यहाँ पर पे? बाय यूजिंग व्हाट? द कॉन्वेक्स लेंस। इस कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू ये पॉसिबल हो पाएगा। तो जब भी आप टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे आप उसमें कॉम्बिनेशन किसका पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ेंगे यहाँ पर पे कॉम्बिनेशन, ठीक है। और जनरली क्या होता है बेटा, जब हम बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन तो आपने पढ़े हैं, लेकिन अलावा इसके बोला चाहिए यहाँ पर पे डिफरेंट टाइप ऑफ हमको क्या देखने मिलता है? डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर पे ये होता है बोला चाहिए यहाँ पर पे आंखों में कुछ अपने दोष होते हैं या इमेज को लेकर के आप बोल सकते हैं ना। तो जैसे कि आपने एबरेशन वगैरह पढ़ा होगा, एबरेशन वगैरह में आपने टाइप ऑफ एबरेशन तो आपने पढ़े बट आपको पता है
कि हर रे ऑफ लाइट, क्योंकि हर एक रे ऑफ लाइट की क्या होती है हमारे पे अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो वो अलग अलग पॉइंट पर क्या होती है इंसिडेंट होती है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ओवरऑल फोकस्ड हो रही है। तो एबरेशन को दूर करना होता है, एबरेशन के अलावा हमें किसे दूर करना होता है बेटा, पैरालैक्स को, ठीक है। वो भी क्या होता है यहाँ पर पे आपको पता है किस तरीके का डिफेक्ट, यहाँ पर पे आंखों के सारे डिफेक्ट है, ये सारे डिफेक्ट किसके हैं बेटा, आंखों के, जो एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पर पे लाइट्स की वजह से होता है, डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से होता है यहाँ पर पे, लेट मी बी वेरी क्लियर। तो इस वजह से क्या होता है, कोई भी एक लेंस नहीं होता है, कोई भी एक लेंस नहीं होता है बेटा, बल्कि क्या किया जाता है कई सारे लेंस को कंबाइन करके एक लेंस तैयार किया जाता है ना। तो वो सारे डिफेक्ट जो है उनको दूर करने के आप ऐसा बोल सकते हैं, जैसे एबरेशन वगैरह टाइप ऑफ एबरेशन को दूर करने के लिए। चलिए आप सबसे सिंपल तरीके से समझ लीजिए, ये जो स्ट्रक्चरिंग आप देख रहे हैं किसकी बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप की। इसकी स्ट्रक्चरिंग आपने लैब में रखा हुआ देखा होगा, लेकिन यदि हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसके में पार्ट्स को, उसके इंडिविजुअली पार्ट्स को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, वो आप देख सकते हैं। आप मेन इसका जो ऑप्टिक्स पोर्शन है उसको समझ लीजिए, जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास रखा हुआ है जो कि कन्वर्जिंग लेंस होता है, इससे कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ए भी है, क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, ऑब्जेक्ट ए भी दिख रहा है। अब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने क्या बेटा ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया है, इस तरीके से रखा है, इस पोजिशन में रखा है, कि वो क्या है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच है, किंतु के बीच बेटा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच हमारे क्या रखा हुआ ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये कौन से केस हो गए बेटा यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस का कौन सा केस है, कौन सा केस है बताइए यहाँ पर, फिफ्थ केस, कौन सा केस है बेटा, फिफ्थ केस है, नॉट रियली नॉट फिफ्थ, इट्स अ सिक्स्थ केस, इट्स नॉट अ फिफ्थ, इट्स अ सिक्स्थ केस, जिसमें इमेज क्या होता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट इस पोजिशन पे इमेज क्या मिलता है बेटा यहाँ पर, डिफरेंट साइड में ही बन करके सेम साइड पर बनता है, दैट मीन्स इमेज रियल ना होकर के वर्चुअल होता है, दैट मीन्स ये सिक्स्थ केस है, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, जैसे कि आपने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा होगा, टेंथ स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा। तो इस केस में जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इसको हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली सिक्स केस पे इमेज कहाँ पर मिलता है, रियल आवर के वर्चुअल, दैट मीन अदर साइड पर आप उनके सेम साइड पर मिलता है, समझ में आया कैसे, आप देख सकते हैं उसको, देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट ए बी से आती हूँ, मैंने दो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा, ये पहली प्रिंसिपल है इसमें पैरेलल, तो अकॉर्डिंग टू रूल उस पर तो हो जाएगी फोकस, प्रिंसिपल फोकस पर तो हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये निकल गई। अब इससे जो दूसरी इंसिडेंट करवाई वो कैसे करवाई, ऑप्टिकली सेंटर पर है ना, दैट मीन डायरेक्ट लेंस पर, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर से इंसिडेंट करवाई, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर थर्ड ये क्या होगी, डिफ्रैक्ट के डायवर्ट के अनुसार सीधा उस पाथ पर उससे निकल जाएगी। यहाँ पर आपने रूल्स पढ़े हुए, तो देखिए इन दोनों को देखकर क्या समझ में आ रहा है कि एंगुलर भी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इस तरफ इंटरसेक्ट होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, मतलब आप देख सकते हैं कि इन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर एक बार इनकी पॉसिबिलिटीज बनती है। तो इस केस में सिक्स केस में क्या होगा, ही रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट को जब आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है वहाँ आपको उसका इमेज मिल रहा है ए डैश बी डैश, और देख लीजिए आप ये इमेज कैसा है, एक्चुअल साइज से काफी बड़ा है, काफी मैग्नीफाइड होकर के आपको मिल रहा है, आधी बात समझ रही है, तो बन गया इमेज, लेकिन ये इमेज कहाँ पर बनेगा बेटा, ये इमेज बनेगा कहाँ पर पे, आप बोल सकते हैं यहाँ पर पे ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर बनेगा, यानी क्लियर विजन के मिनिमम डिस्टेंस पर ये इमेज कहीं पे बनेगा, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ। लेट सपोज आप चाहते हैं कि आप विदाउट दिस लेंस, ऐसे कंडीशन में तो ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत क्लियर होगा, लेकिन यदि मैं विदाउट दिस लेंस बात करूँ तो क्या इतना मैग्निफाइड होकर के इमेज बनता नहीं, आज बात यहाँ पर आपको समझ, यदि एक ऑब्जेक्ट को यदि मैं विदाउट लेंस देखना चाहती हूँ तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना होगा, इधर रखना होगा, जिसको हम क्या पढ़ते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दैट मीन्स लेफ्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, यहाँ पर यदि मैं इस ऑब्जेक्ट ए बी को सीधा सीधा उठा के कहाँ पर रख दूँ, इधर पर रख दूँ, है ना, जहाँ पर इमेज बन रहा है, दैट मीन्स यदि मैं ऑब्जेक्ट ए बी को उठा के कहाँ रख दूँगी, यहाँ रख दूँगी, यही बात रख दूँगी, इसको मैंने नाम दे दिया ए डबल डैश बी डैश, आगे बात यहाँ पर मैं समझ, मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी, सेकंड केस में मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ पर कर दिया, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, दैट मीन्स मैंने रख दिया यहाँ पर उसको मिनिमम डिस्टेंस एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर रख दिया। तब ऐसे कंडीशन में ही आपको क्या लेकर के चलना है, इंसिडेंट एंगल लेकर के चलना है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ, दो एंगल से आपको लेके चलना जब आप इसके लिए मैग्निफिकेशन को पढ़ेंगे, लेकिन अगेन मैंने यह कि इस कंडीशन पर अब यदि ऑब्जेक्ट होगा तो जो इमेज फॉर्म होगा वो इतना मैग्निफाई नहीं होगा,
जब आप इस लैंडस्केप में जाने वाले हैं बनाया मतलब जब आप इस माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन या मैग्निफाइंग पावर पढ़ेंगे तो आपको कौन से दो एंगल लेने होंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा यहाँ पर क्या था बेटा, अल्फा क्या चीज़ था यहाँ पर, क्या बताया था अल्फा मैंने आपको, याद कीजिए अल्फा क्या बताया था मैंने आपको, मिनिमम डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट, है ना, क्लियर विजन के मिनिमम डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट के द्वारा इंसिडेंट एंगल। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आई लेंस पर आके जो है वो यही कहीं पे, आके जो है यही कहीं पे, समझ में आ रही है आके। एक्चुअली माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जो ह्यूमन आई होती है वो लेंस को बहुत चटा कर रखी जाती है, बहुत चटा कर रखी जाती है। आप इसको दूरों पर मत लीजिए, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टों पर लीजिए। आगे मैं समझ यहाँ पर भी आपकी जो बहुत ही सब्जेक्टों पर है सटो लिया, इन दोनों चीज आप मान के चले कोई गैपिंग नहीं, चलिए ठीक है। अभी जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर जैसे मैंने बताया मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू इंसिडेंट एंगल को क्या सपोज करते हैं, इसके थ्रू इंसिडेंट एंगल को क्या सपोज किया जाता है, अल्फा, क्या सपोज किया जाता है बेटा अल्फा, ये हो गया आपका एंगल अल्फा। आगे बात यहाँ पर भी समझ, बट इस इमेज के थ्रू, इमेज ए डैश बी डैश, इमेज के थ्रू इंसिडेंट एंगल हम क्या लेते हैं बीटा, कि ये जो कंप्लीट एंगल होगा, ये जो कंप्लीट एंगल होगा ये वाला, आप इसको ले सकते हैं कुछ ऐसा, ये जो क्लियर एंगल होगा ये कंप्लीट एंगल क्या कहलाएगा, ये कंप्लीट एंगल क्या कहलाएगा बीटा, हमेशा क्या कहलाएगा बीटा हमेशा बढ़ाएगा, ठीक है। आगे बढ़ने पर आपको समझ, ये कंप्लीट एंगल क्या कहलाएगा आपका बीटा कहलाएगा। तो आपको समझ में आ रहा बीटा, जैसे मैंने आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन पहले बता दिया, बीटा कौन सा, इमेज के थ्रू बनने वाला एंगल, तो इमेज के थ्रू बनने वाला एंगल हो गया आपका बीटा। और वही पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी कहाँ पर रखा बेटा, यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट पर रखा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा अल्फा। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया बेटा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो क्या सपोज कर लेते हैं हम, इस मिनिमम डिस्टेंस को क्या सपोज कर लेते हैं हम, स्मॉल डी कैपिटल डी जैसा भी आपको सपोज करना है वो आप कर सकते हैं। मैं इस मिनिमम डिस्टेंस को क्या सपोज कर लेती हूँ, क्लियर करके मिनिमम डिस्टेंस को कैपिटल डी सपोज कर लेती हूँ। अब अलग बात है कि इमेज वहाँ पर बन रहा है वो अलग बात है कि ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखा है, लेकिन मैं कंसिडर क्या कर लेती हूँ कि मेरा जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर ऑब्जेक्ट है वो डी है, जिस पर हमने कुछ वक्त के लिए क्या रखा अपने ऑब्जेक्ट को रखा है, और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा इंसिडेंट एंगल में अल्फा ले रही हूँ। आई बात यहाँ पर आपको समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ओके। आगे हम पढ़ेंगे, अब हम इसके लिए क्या पढ़ेंगे यहाँ पर मैं, इसके लिए सबसे पहले इसलिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, जैसे कि आप मैग्निफिकेशन बेसिकली जानते हैं, मैग्निफिकेशन क्या जानते हैं आप, या एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैंने जैसे कि आपको बताया हर सूरतों में होता है कि मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो लीनियर के इक्वल होता है, दैट मीन्स एंग इक्वल्स टू, यदि आप पढ़ रहे हैं क्या, यदि आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर के बीटा बाय अल्फा पढ़ रहे हैं, सपोज बीटा बाय अल्फा पढ़ रहे हैं, बीटा बाय अल्फा, और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बोलिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ द इमेज क्या होता है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है ए, ये आपका आएगा बेसिकली, ये आपका आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, बेसिकली यही आपका आएगा। अब ये बताओ रहे कि पिक्चर अल्फा की वैल्यू को आप लेंगे आप अपने सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन एंगल करीब करीब वो इसके इक्वल, ठीक है। लेकिन अभी हमारी कोशिश क्या है, कोशिश क्या है इसको, इसे क्या हो डी आने, है ना, इसे क्या हो डी आने, तो इस पार्ट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो सबसे पहले आप बात करें यहाँ पर जैसे अलग अलग एंगल्स क्रिएट करें, सबसे पहले है ना बीटा को जैसे मैं बताया एंगल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो बीटा को आप लिखेंगे यहाँ पर टैन बीटा, और अल्फा को आप लिखेंगे टैन अल्फा, चलिए ये तो हो गया यहाँ पर बात। अब निकालिए सबसे पहले इंडिविजुअली वैल्यूज निकालिए, टैन बीटा निकालिए इंडिविजुअली टैन अल्फा निकालिए, टैन बीटा बीटा क्या है इसके बनने वाला एंगल है, तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, इस पूरे को ध्यान से देखिए, ओ ये ए डैश बी डैश है और यही वर्ग क्या है आपका ए बी डी है ना, ये एंगल से है बीटा। अभी हम पहले पोजिशन में देखते हैं ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजिशन क्या है ये वाली, ठीक है, हमारा इच हमारा इच, तो आप बीटा पर टैन ऑब्जेक्ट करके चाहे आप इस वाले ट्रायंगल के साथ कंटिन्यू हो जाइए, चाहे आप इस वाले ट्रायंगल के साथ कंटिन्यू हो जाए, टैन बीटा की वैल्यू वो मैं आपको मिलनी है, तो टैन बीटा की वैल्यू क्या जाएगा बेटा आपके पास, टैन बीटा की वैल्यू व्हाट, टैन क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर बेस का होता है, देखिए परपेंडिकुलर क्या तैयार हो रहा है
ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, ए डबल डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट वही है, ए भी हाइट की ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज कर दी, न्यू पोजीशन को मैं पढ़ रही हूँ ए डबल डैश बी डैश, जो कि एक्चुअल में एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल ही रहता है, पोजीशन बस चेंज की, मैंने ऑब्जेक्ट को इधर से उठाकर इधर रख दिया। दैट मीन्स अब निकालिए इसके तो इंसिडेंट एंगल कितना बेटा अल्फा है, कितना है अल्फा है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं बेटा किस वाले ट्रायंगल पर बात कर रहे हैं, बोलिए किस ट्रायंगल पर बात कर रहे हैं, इसे इसे भी रोक दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल के रोक दीजिए। ओके लेट्स कंटिन्यू विद दिस ओ, और ये आपका है ए डबल डैश बी डैश इफ आई एम राइट। आ गया आपको बात यहाँ पर भी समझ क्या कहा जा रहा है, और ए बी का आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। तो देखिए बहुत ही क्लियर है यहाँ पर पे, चूंकि एंगल अल्फा आपको निकालना है तो उसके साथ टैन ऑपरेटेड है, यहाँ पर टैन अल्फा कितना हो जाएगा, अगेन एंगल के सामने वाला सेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर, पहले हरी बात यहाँ पर समझ ए डबल डैश बाय बी डैश है ना, ये ए सॉरी ये ए सॉरी क्या क्या हो जाएगा ए डबल डैश बाय बी डैश है ना, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना आ जाएगा आपके पास ओ बी डैश। आगे बात करना चूंकि ए डबल डैश बी डैश जो होगा ये जो हाइट है इसकी हाइट से इक्वल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वही जिसको उठा के रखते हैं तो हाइट तो चेंज नहीं होगी, इसलिए आप ए डबल डैश बी डैश उठा नहीं सकते, ए भी लिख सकते हैं। आगे बात करना पड़ेगा आपको समझ में क्या बोली है, जिस वैल्यू निकल रही है टैन अल्फा की वैल्यू निकल रही है, इसको डिक्लेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्या डिक्लेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 2, इंडिविजुअली समझिए एक आप गए इस वाले ट्रायंगल में और दूसरा कंटिन्यू होकर इस ट्रायंगल के पास, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं क्योंकि आपके पास दो अलग एंगल दो अलग विजुअल एंगल थे, ठीक है, एक इमेज के थ्रू बनने वाला और दूसरा क्या है जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है आपका एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डी, तो ऐसी कंडीशन में दो ट्रायंगल के कंटिन्यू होकर के आप टैन अल्फा और टैन बीटा कैलकुलेट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के थ्रू आपको क्लियर हो गया, दोनों वैल्यू को रख दीजिए बाय द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट व्हाट, टैन बीटा कितना आपके पास बोलिए ए बी बाय ओ बी अपॉन टैन बीटा, टैन बीटा की वैल्यू पता है तो क्या हो जाएगा ओ बी डैश चला गया ऊपर और ए बी चला गया नीचे, ए बी ए बी कर गया आपको मिल गया ओ बी डैश अपॉन ओ बी। आगे बात यहाँ पर आपको समझ में क्या बोल रही था ओ बी डैश क्या है, अब ओ बी डैश क्या उसको समझिए, ओ बी डैश मतलब लेंथ से ये लेंथ है जो था उसके ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस है ना, क्या था बेटा उसके इमेज तक का डिस्टेंस, और सपोज क्या किया जा रहा था इमेज कहाँ पर बन रहा है, इमेज कहाँ पर बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है ना, तो आपने चूंकि यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या सब कुछ किया, चाहे ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखे चाहे इमेज वहाँ पर बने, लेकिन वहाँ तक डिस्टेंस क्या कर चल रहा है डी, तो आप ओ बी डैश को रिप्लेस कर दीजिए किससे डी से, अब बात कीजिए ओ बी को, ओ से बी तक का डिस्टेंस, ओ क्या है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस आप जा रहे हैं ना, इमेज हो सॉरी एक्चुअल साइज जहाँ पर आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा वहाँ तक का डिस्टेंस आप ट्रेवल करें, दैट इज दिस इज द डिस्टेंस अप टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ऑब्जेक्ट की रियल पोजिशन है, रियल ऑब्जेक्ट रियल पोजिशन, ठीक है, तो ओ बी ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो कि क्या जाएगा यहाँ पर आपका यू, तो डी बाई यू आपको क्या होना चाहता है दिस इज योर मैग्निफिकेशन, बट दिस इज नॉट एक्यूरेट, अभी एक्यूरेट नहीं है क्यों, क्योंकि अभी हमने सिर्फ डिस्टेंस लिया बट हमने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिया, तो बाय यूजिंग दिस साइन कन्वेंशन क्या होगा, कौन सा डिस्टेंस नेगेटिव जाएगा बताइए जरा, डी नेगेटिव जाएगा क्या, डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, सारे डिस्टेंस लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से आप जा रहे हैं लिस्ट डिस्टेंस की बोले तो आप क्या हो जाते हैं टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स राइट सॉरी टूवर्ड्स लेफ्ट, तो डी कैसा हो जाएगा, डी मेजरमेंट करने के लिए भी तो आप क्या होंगे टूवर्ड्स लेफ्ट होंगे, आगे का क्या करते समझ, ठीक है तो डिस्टेंस नेगेटिव जाना चाहिए क्या, हाँ क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो कि क्या है टूवर्ड्स राइट है के अपोजिट मेजर किया जा रहा है, तो डी हो गया आपका नेगेटिव, डी हो गया आपका कैसा बेटा नेगेटिव हो गया, तो फाइन डी नेगेटिव हो गया, लेट्स टॉक अबाउट यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट भी कहाँ आता है वो तो हमेशा लेफ्ट साइड पर रखा जाता है और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या है टूवर्ड्स राइट, लेकिन ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए आप टूवर्ड्स लेफ्ट होंगे, सो दैट्स व्हाई अगेन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया आपका माइनस बी, आगे बात समझ यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव
करेंगे, मैंने आपको सॉरी इमेज की दो पोजीशन लेकर के चलेंगे। पहला जब की इमेज कहाँ बन रहा है, पहले किसान की इमेज को कहाँ पर बना है, डी डिस्टेंस पर बना है। जबकि इमेज कहाँ पर बेटा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर है। और दूसरा जबकि इमेज इंफिनाइट पर है। दो केसेस लेकर के हम चलेंगे, ठीक है, दो केसेस लेकर के हमको चलना है। उस वजह से क्या जाएगा, थोड़ा सा एंगुलर एम्प्लीफिकेशन चेंज हो करके आपको मिलेगा। क्या मिलेगा उसको अभी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं अपन। ओके, दो केसेस जैसे मैंने आपको बताया इमेज फॉर्मेशन के बनते हैं, जबकि इमेज कहाँ पे बन रहा है, एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, जो कि हम शुरू से ही लेकर के चल रहे थे, ठीक है। क्योंकि उसी में आपको क्या मिलता है, एक्चुअली में सबसे ज्यादा मैग्नीफाई होकर के इमेज मिलता है। तो फर्स्ट केस वही था जो हम शुरू से लेकर के चल रहे थे, ठीक है। तो केस वही है यहाँ पर आपका, लेकिन हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन आया या मैग्नीफाइंग पावर आई वो एम इज इक्वल टू डी बाई यू आया, लेकिन डी बाई यू इन द टर्म ऑफ फोकल लेंथ हमको यहाँ पर निकालना था। हमारा टारगेट क्या था, इन द टर्म ऑफ फोकल लेंथ। तो इन द टर्म ऑफ फोकल लेंथ आप यूज करेंगे यहाँ पर लेंस फॉर्मूला, आप यूज करेंगे यहाँ पर क्या बेटा, लेंस फॉर्मूला। एंड बिफोर यूज टू दिस फॉर्मूला फर्स्ट यू हैव टू नो हमें कौन कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, कौन सा डिस्टेंस नेगेटिव लेना है। एज यू नो, कि आपका जो चूंकि फर्स्ट केस में आपका इमेज वहाँ पे बन रहा है क्लियर डिस्टेंस ऑफ सॉरी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन डी पर बन रहा है, वी इज इक्वल टू डी तो होगा ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस कन्वेंशन को किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव साइड जा रहा है ना। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के अपोजिट एंड बैक ऑफ डिस्टेंस हमने नेगेटिव दे दिया, वी इक्वल टू क्या होगा, माइनस से सब्स्टिट्यूट करेंगे लेंस फॉर्मूले में। एट द सेम टाइम यू भी कैसा होगा, ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है यार, टूवर्ड्स लास्ट आपको जाना पड़ेगा डिस्टेंस में, तो मैंने किया यू भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट नेगेटिव यू इन द लेंस फॉर्मूला। एंड व्हाट अबाउट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, यू नो अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, पॉजिटिव, तो आपका पॉजिटिव जाएगा। तो व्हेन यू आर कंटिन्यूइंग विद द लेंस फॉर्मूला फर्स्ट यू हैव टू नो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सारा डिस्टेंस देख लीजिएगा, सारा डिस्टेंस ले लिया आप, लेट्स कंटिन्यू विद द साइन कन्वेंशन, सॉरी लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में मैंने वी की वैल्यू रख दी माइनस डी, यू की वैल्यू मैंने माइनस टू रख दिया। यहाँ से बेटा पहले तो डी बाई यू कैलकुलेट कर लेते, हाफ ऑफ द पॉसिबल कुछ नहीं करना, बेसिकली आपको सबसे पहले तो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आप देख सकते हैं माइनस माइनस फिलहाल क्या हो गया, पॉजिटिव वन बाई यू, लेकिन मुझे डी बाई यू को टर्म ऑफ फोकल लेंथ निकालना है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, न्यूमरेटर में क्या चाहिए बेटा, डी चाहिए। दैट्स व्हाई दोनों साइड्स में मैं क्या कर देती हूँ, डी मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दोनों साइड्स पे डी मल्टीप्लाई कर लूंगी तो लेफ्ट का क्या हो जाएगा, डी बाई एफ, राइट का क्या करके डी बाई डी बेटा माइनस वन बच रहा है, यहाँ पे डी बाई यू तैयार हो जाएगा जो कि मुझे चाहिए। डी बाई यू चाहिए तो बाकी आप उसको शिफ्ट कर दीजिए, तो डी बाई यू की वैल्यू मैंने टर्म ऑफ फोकल लेंथ आपको क्या मिल जाती है, डी बाई एफ प्लस वन। ये एक्सप्रेशन बेटा याद रखिए, ये एक्सप्रेशन बहुत काम का एक्सप्रेशन, ध्यान रखेंगे ये एक्सप्रेशन बहुत काम का। यदि मैं आपसे बोलती हूँ जबकि आपके पास कोई सिंपल माइक्रोस्कोप है और ऑब्जेक्ट इमेज जो काम पे बन रहा है एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, तब बताइए क्या होगी इसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो जो न्यूमेरिक आएगा उस वक्त आप इसी फॉर्मूले के साथ कंटिन्यू होंगे, आधी बात आपको समझ, डी बाई एफ प्लस वन आपको समझ में आ रहा है, एफ क्या है नीचे तरफ है, एफ नीचे तरफ है, सीधी सी बात है, मतलब ये है कि जितना ज्यादा फोकल लेंथ कम होगा मैग्नीफाइंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, इससे कंफ्यूजन तो यही निकलता है बेटा, है ना। एफ नीचे तरफ यहाँ पर दैट मीन्स फोकल लेंथ, कम से कम फोकल लेंथ का ही कॉन्वेक्स लेंस हमको इस्तेमाल करना ज्यादा बेटर होगा इन योर माइक्रोस्कोप। होप आपको समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे सेकंड केस, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है लेकिन इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है यहाँ पर बेटा, इनफिनाइट पर। ओके, दिस इज योर सेकंड केस। ओके, सेकंड केस जबकि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफिनाइट पर बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर ऐसे नहीं बनेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर ऐसे ही नहीं बनेगा, उसके शर्त है यहाँ पर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर कब बनता है, सॉरी इमेज इनफिनाइट पर कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है ना। अरे बात यहाँ पर समझ, अभी क्या था आपके पास जो आई था बेटा, है ना, जो आपके पास लेंस था उसमें ये ऑप्टिकल सेंसर था और ये आपका फोकस था, इन दोनों के बीच आपको ऑब्जेक्ट रखा था पहले केस में। दूसरा जो केस पढ़ रहे हैं उसमें आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि आपका इमेज कहाँ बनना चाहिए, इन्फिनाइट पर बनना चाहिए, है ना, इन्फिनाइट पर बनना चाहिए। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिफ्थ केस की बात की जा रही है, तो आपने पता होगा इन्फिनाइट पर कब बनता है, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, फोकस, तो आपको ऑब्जेक्ट को उठा कर ये जो ऑब्जेक्ट ए भी है इसको क्या करना है, इधर पर रखना है ना, आपको
उसको उधर तो कहीं ना कहीं आपको अपने कॉन्वेक्स लेंस को सेट करना पड़ेगा नॉर्मल में, ताकि ऑब्जेक्ट वहां पर रखा जा सके। ऑब्जेक्ट को इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस को सेट करते हुए आपकी ऑब्जेक्ट वहां पर रखा जाए, फोकस पर रखा जाए। आगे बात यहाँ पर मैं समझ, फोकस पर रखा जाए तो डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, जो डी है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी जो है वो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप इधर से इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो डिस्टेंस डी जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सपोज आप ए डिस्टेंस रिड्यूस होते हैं, आप पीछे आ गए, आप पहले आगे थे, फोकस के आगे था आपका ऑब्जेक्ट पहले के से। दूसरे केस में जबकि इमेज आपको इन्फिनाइट पर फॉर्म करना है तो सीधी सी बात है आपका ऑब्जेक्ट का पोजिशन क्या होगा, आफ्टर फोकस नहीं होगी, ऑन फोकस होगा, तो आपको क्या होना पड़ेगा, पहले आना पड़ेगा। तो जो डी डिस्टेंस था आपको उस डी डिस्टेंस को क्या करना होगा, कम करना होगा। सपोज आप ए डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, डी इक्वल टू डी माइनस ए हो जाएगा, वो मिनिमम डिस्टेंस कम हो जाएगा और डी माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। आपको सेटिंग चेंज करनी होगी, खैर आप इतने डीप में ना जाए, आप बेसिकली समझ लें इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजिशन जो है ना, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की जो पोजिशन है वो फोकल लेंथ की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ आ गया, फोकस पर आकर खड़ा हो गया। ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर आ गया ऑब्जेक्ट, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता था आपका यू, अब यू की वजह से क्या हो जाएगा एफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, फोकस पर आ गया। और ऑब्जेक्ट सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस था वो फोकल लेंथ भी कहलाती है, तो यू की वजह से क्या मिल जाएगा आपको एफ मिल जाएगा। तो बस यू की वजह से एफ का सब्स्टिट्यूशन आपको करना है सेम एक्सप्रेशन पर। प्रीवियस एक्सप्रेशन क्या था, मैग्निफिकेशन क्या पड़ा था, आपने डी बाई यू पढ़ा था, तो u को रिप्लेस कर दीजिए f से, तो d by f वही आपका क्या कहलाएगा, एट द टाइम आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर क्या लेके फॉर दिस माइक्रोस्कोप, व्हेन योर ऑब्जेक्ट व्हेन योर इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटिव, दैट मींस योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अरे बात समझ, आपको सर आपको तीनों केसेस याद रखना है, स्पेशली पहला केस आपको याद रखना है, पहले केस में क्या होता है f कंपाउंड बहुत जरूरी होता है बेटा, है ना, कंपाउंड इस्तेमाल क्यों किया जाता है वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास यहाँ पे खत्म की जाती है, नेक्स्ट क्लासेस आपको क्लियर किया जाता है कि हम क्यों कंपाउंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।